हाय, मैं हूँ प्रशांत। आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे, सीखेंगे कैसे मैंने वो गोल्ड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, कैसे होल्ड किया, कैसे प्राइस एक्शन को देखा, कैसे चार्ट को रीड किया और उसके बाद रिवॉर्ड मिला, कैसे मार्केट हम लोगों को रिवॉर्ड देता है, ये सीखेंगे। आपको हमेशा मैं कहता हूं कि ट्रेलिंग बहुत जरूरी होता है। तो जब आप ट्रेलिंग करोगे नहीं, फर्स्ट मूव में आप एग्जिट हो जाते हो, उसके बाद जो पछतावा होता है लोगों को कि रुकता तो क्या होता, तो इसके लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हर ट्रेड में फॉलो करना होता है। आपने ट्रेड लिया, आपको क्या करना है, अगर 10 क्वांटिटी ली है तो 8 क्वांटिटी को बेच दो, 2 को रख दो स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे। तो आपको आगे के जो भी प्राइस एक्शन होगा वो सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, कैसे मार्केट चलता है वो भी देखने मिलेगा, और उसके बाद आपको रिवॉर्ड भी साथ साथ मिलेगा। उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कन्विक्शन बिल्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये लर्निंग के साथ 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 आप आगे के ट्रेड्स भी ऐसे ही ले सकते हो। तो इसके लिए प्रोसेस को सेम रखना है, ठीक है। तो अब ये गोल्ड के ट्रेड को हम लोगों ने कैसे एग्जीक्यूट किया वो देखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस पोजीशन को हमने कहाँ पे बाई किया, गोल्ड को कहाँ पे बाई किया था, डेट क्या था। अब देखोगे 6 अक्टूबर, ये मैंने, जैसे कि छोटे प्लेयर हैं तो उनके लिए ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे एक लॉट सिर्फ 4,300 के आसपास मिलता है। तो आपके पास जितनी मल्टीपल क्वांटिटीज होगी तो आप वो ट्रेल कर पाओगे। इसके लिए गोल्ड मिनी आपको 40,000 के आसपास आता है, तो जिसके पास कैपिटल कम होगा तो उसको सिर्फ एक या दो ही लॉट मिलेगी, बिलो 1 लाख अगर कैपिटल होगा तो। लेकिन बिलो 1 लाख कैपिटल होने के बाद भी ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे 10, 20, 15, 20 आप ऐसे लॉट ले सकते हो और जो आप बेच भी सकते हो। तो ये मैंने कहा था 11:02 सुबह का टाइमिंग था। आप देखोगे यहाँ पर, अब ये चार्ट मैंने, ये लॉजिक था। क्या लॉजिक है यहाँ पे, वीकली चार्ट पे रिटेस्ट हो रहा था। अब देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वीकली चार्ट पे, फिर ये बाउंस हुआ फर्स्ट टाइम, ब्रेकआउट हुआ और फिर से एक रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद देखो क्या हुआ था, फिर से ये गोल्ड ऊपर गया था। और जब मैंने इसको देख रहा था, मेरे वॉचलिस्ट में ये मैंने रखा हुआ था कि मैं इस पॉइंट का वेट कर रहा था कि जब कब आए गोल्ड यहाँ पे और कब मैं बाई करूँ। तब यहाँ पर आने के बाद ये प्लानिंग ऑलरेडी सेट हो चुकी थी कि यहाँ पे गोल्ड बाय करना है। वीकली चार्ट आप यहाँ पे देखोगे, वीकली चार्ट है, ठीक है। सिंपल लॉजिक, ये गोल्ड मिनी का ये रेट चल रहा था, बाय हो गया। क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है क्या लिखा है, 70% सिर्फ बाय किया हुआ है क्योंकि और नीचे जाने के चांसेस थे एज पर प्लान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ उसमें, यहाँ पर मैंने बोला था कि रिमेनिंग 30% जो है वो पैनिक आएगा। देखो रिमेनिंग 30% एट पैनिक हम लोग ऐड करेंगे, और क्योंकि हमेशा जब भी मार्केट आता है सपोर्ट के पास वो एक पैनिक कैंडल क्रिएट करता है, लोगों को डराता है, जो बाय करने वाले होते हैं उनको भी डराता है कि उनको लगेगा कि अब मार्केट सपोर्ट तोड़ रहा है। और वही पे उसे ही हम लोग एसएल हंटिंग बोलते हैं। तो वही पे बड़ी प्लेयर ऐसे ही करते हैं, अगर ब्रेकआउट करेंगे तो ग्रीन कैंडल दिखाएंगे और सपोर्ट पे जब बाइंग का चांस होता है तब तो वो रेड कैंडल से डराते हैं, ठीक है। तो पैनिक क्रिएट करते हैं। तो 30% हम लोगों ने एज पर प्लान ऐड किया। ये हो गई आपकी पोजिशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्लान, एंट्री, स्टॉप लॉस, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब आपका काम होता है ट्रेड को देखना कि किस तरीके से मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है या नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके बाद मैंने मैसेज किया हुआ है शाम को कि गोल्ड को होल्ड करना है, इट इज अ पोजिशनल, मतलब वीकली चार्ट। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंट्राडे,
वीकली मतलब आपको होल्ड करना होगा। अब देखो वैसे ही ये कैंडल बहुत रेड कैंडल बनी थी, अब देख रहे हो ये कैंडल टच हो गई, रेड थी और सडन बाउंस आ गया। तभी मैंने बोला था कि ये देखो कि पैनिक लो बन रहा है गोल्ड में। उसके बाद ये कैंडल बनी, ये डेली कैंडल थी, देखो एग्जैक्ट 1810 लेवल को लो करके गोल्ड ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ये होता है वीकली टाइम फ्रेम का पावर। नेक्स्ट डे गैप ऑफ ओपनिंग, आप देख रहे हैं 1848 लेवल, ये है वीकली चार्ट। देखो ये पिन बार, पहले रेड था पिन बार बन गया। अब हम लोगों ने हाफ प्रॉफिट बुक कर दिया 9th को, 7-8 फ्राइडे सैटरडे, और 9th को जो गैप अप हुआ उसमें 50% प्रॉफिट को होल्ड किया, होल्ड किया और 50% प्रॉफिट को बेच किया। आप यहाँ पे ये देख पाओगे, यहाँ पे बाइंग थी नीचे और ये, ठीक है। तो अब इसके बाद एक्चुअल आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी काम करना स्टार्ट होता है। ऐसे कैंडल में लोग पूरा प्रॉफिट बेच के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि बस हो गया मेरा, यहाँ पे नीचे बाई किया होगा इसी कैंडल में। तो और दूसरे कोई लोग होते हैं वो चढ़ते भी है, तो आपको बाई करना है नीचे, और ऐसे कैंडल में आपको 50% आप प्रॉफिट बुक करोगे और 50% होल्ड करोगे, क्योंकि आपने क्या किया है बॉटम पे बाई किया, ठीक है ना। तो बॉटम पे बाई करने के बाद पैनिक नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, आपको पता है कि आपने सबसे पहले बाई किया, तो आप क्यों बेच के पहले भाग रहे हो, आपको पहले क्यों भागना है, अब तो लोग चढ़ रहे और तभी आप भाग रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपकी क्वांटिटीज होगी उसमें कुछ ना कुछ रखना है ताकि आप उसको चला पाओ। अब इस ट्रेड को मैंने कैसे चलाया वो देखो आप, 4 आवर टाइम फ्रेम इस कैंडल को, अगर मैं कंप्लीटली प्रॉफिट बेच के निकलता तो ये आगे का प्राइस एक्शन मुझे दिखता ही नहीं। अब आप यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मैंने वहां पे क्या मैसेज किया लिखा, गोल्ड 4 आवर टाइम फ्रेम, गुड कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन विच इज गुड फॉर अप मूव, वी आर होल्डिंग 50% क्वांटिटीज। इसके लिए तो क्योंकि कंसोलिडेशन जब होता है ना, एक मूव आता है उसके बाद मार्केट रुकता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा करो, मूव आएगा रुकेगा, फिर से एक अप मूव आएगा रुकेगा, फिर से एक अप मूव आएगा रुकेगा, ये एक मार्केट का साइकिल है, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर एक मूव आया नीचे से, मार्केट यहाँ पे रुका और वेट किया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, देख रहे हो आप इस बॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा था और डायरेक्ट सडन एक मूव आया और गोल्ड भागना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये एक मैसेज है कि अब जो एक रेंज ब्रेक हुआ है वो उसी रेंज को रिटेस्ट करने आता है, तो फ्रेश मैंने ये भी बोला था कि जो जिन्होंने यहाँ पे मिस किया है वो यहाँ पे ऐड कर सकता है, कहाँ पे, फ्रेश प्लेयर कैन टेक एंट्री नियर टू 1855 लेवल। अब यहाँ पे देखो ये एक डायरेक्शन दिया था और ये एक डायरेक्शन दिया था, मतलब क्या ये कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर एक प्रोसेस होता है रिटेस्ट का, जो ब्रेकआउट लेवल है 1855 उसको फिर से रिटेस्ट करने आएगा और फिर एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर आया 1855 लेवल को, फिर से जो बायर है उन्होंने बाई किया और देखो हाई ब्रेक करना स्टार्ट हो गया ऊपर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जैसे ही वो रिटेस्ट हुआ था यहाँ पे, वी विल होल्ड गोल्ड लुकिंग वेरी बुलिश प्राइस एक्शन, वी हैव कैप्चर बॉटम 50% बुक ना, 50% राइडिंग टाइम। इसके लिए मैंने राइड करने बोला था, क्यों, क्योंकि प्राइस एक्शन इस तरीके से दिख रहा था कि मार्केट सिर्फ एक्यूमुलेशन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है और ऊपर जा रहा है।
मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास अगर 10 लॉट है तो 2-3 को होल्ड करो, 20 लॉट है तो 5 ट्रेड को, 5 लॉट्स को होल्ड करो ताकि आप उस राइड का मजा ले पाए, उस ट्रेड का मजा ले पाए जब तक तो वो एंड ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये देखो ये रेंज ब्रेक, अब ये एक रेजिस्टेंस था, वहां पे रेजिस्टेंस पे क्या होता है सप्लाई आई गई, लेकिन ये जो दिख रहा था ना सेकेंड टाइम एक्यूमुलेशन हुआ, तो क्या होगा सेम प्रोसीजर, यहाँ से सप्लाई लेगा, इसको आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, फिर से एक मूव आएगा। तो मैंने मैसेज क्या लिखा था, हिटिंग द रेजिस्टेंस पॉइंट सो एज ऑब्वियस सम प्रॉफिट बुकिंग विल कम। प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही है क्योंकि वो सप्लाई जोन है या फिर नए सेलर वहां पे एड शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राइस तो गिरेगी, सप्लाई है तो प्राइस गिरना ही है। ठीक है, बट ये आगे का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आप अगर ट्रेडर हो तो आपको बहुत ये काम आएगा कि कैसे ट्रेड को समझना है, कैसे मार्केट को समझना है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना बच्चों की तरह हमें ये नहीं करना है, प्राइस एक्शन चार्ट क्या बोल रहा है ना उसको देखना है। चार्ट हमें क्लियर बोलता है कि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आपको तो आपका बाइंग प्राइस यहाँ पर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका ये ट्रेलिंग ऐसे पहले ये होगा फिर ये होगा इसका लो। ठीक है, तब मैंने क्या कहा, बट बायर्स आर ऑल्सो कमिंग विथ एक्यूमुलेशन, दैट्स वाई वी आर ट्रेलिंग एज पर प्लान। नाउ 1865 जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट। 1865 मतलब ये देखो 1865, अब इसका लो देखो 1866, यहाँ पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे सप्लाई आया होल्ड गिरा, लेकिन सपोर्ट कहाँ से ही है 1866 एग्जैक्टली, जो एक्यूमुलेशन पॉइंट था वो यहाँ पे देखो, और यहाँ से ये स्पाइक, इसके लिए ये तभी पोजीशन ये थी, बराबर वेट किए 1865 जोन, नीड कंसोलिडेशन नियर 1880 लेवल टू ब्रेक फॉर अपसाइड जोन। अब देखो मैंने बोला था कि फीलिंग द हिट एट सप्लाई जोन, सो प्लान क्या है हमारा कि कम से कम लॉट होनी चाहिए और बाकी का प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद एग्जैक्ट देखो मैंने ये मैसेज किया था कि 1866 पे ड्रॉप हुआ और मार्केट गोल्ड ऊपर चले गया। उसके बाद भी मैंने कहा था कि ये क्या डेट है 13 अक्टूबर कि परफेक्टली गोइंग नाउ नीड कंसोलिडेशन, और आप देखो उसके बाद गोल्ड ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया 1897, 1866 ब्लास्ट ऊपर की तरफ, अब ट्रेलिंग 1880, 1880 क्यों ट्रेलिंग हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था तो ये एक रिटेस्ट की तरह काम करेगा 1885, तो हमारा ट्रेलिंग कहाँ से देखो बाइंग यहाँ से, पहला ट्रेलिंग यहाँ पे, सेकेंड ट्रेलिंग यहाँ पे, और जो थर्ड ट्रेलिंग था वो 1866 जब ये कैंडल बन रही थी, तो हमारा प्रॉफिट देखो हम लोग यहाँ तक आ गए। और उसके बाद गोल्ड सिर्फ भागता ही गया, अब इस चार्ट को देखो, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े टारगेट्स मिलते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अब ये डेली कैंडल देखो बाइंग यहाँ से, इस कैंडल को ये कैंडल कब लास्ट बना था, ऐसा कैंडल बहुत रेयर बनता है, आपको मिलेगा भी नहीं शायद जल्दी से, 3.41%, 3.5% का मूव कब आया था, ये तो वॉर में भी नहीं आया था, ये जो लास्ट ईयर वॉर हुआ था उस वक्त भी नहीं आया था ये कैंडल, शायद ये देखते ये कितना परसेंट का कैंडल बना, ये भी 2.5% का ही कैंडल बना। आप देखो सोचो कितना हिस्टोरिकल मूव आया है,
ये देखो, ये कोरोना के बाद जो मार्केट उठा था उस वक्त ये दो कैंडल जो हुई थी 4.4%, उसके बाद ऐसी कैंडल गोल्ड में बनी नहीं इतनी बड़ी कैंडल। अब देखो, और ऐसे कैंडल का अगर आप पार्ट होते हो तो सोचो आपने क्या अचीव कर लिया है ट्रेडिंग में। सोचो, अब ये कब पॉसिबल है, जब आप प्राइस को देखोगे, चार्ट को रीड करोगे, कुछ लॉट्स को, कुछ क्वांटिटीज को होल्ड करोगे, तब आपको ये सीखने मिलेगा, तब आपको ये मिलेगा कैंडल। लोग इसके बाद चढ़ेंगे, अब बुलिश हो गए, इसके ऊपर शायद गोल्ड को ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब काम हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ से बाइंग जोन क्रिएट होता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे बाइंग जोन हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, तो आपका हमेशा अप्रोच ये होना चाहिए कि आप बाय यहाँ पे करो, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे आपका पूरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, आप रुक नहीं पाओगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मार्केट थोड़ा यहाँ पे रुकेगा, कंसोलिडेशन कर सकता है, पर यहाँ पे क्या होता है, एल्गोस ट्रिगर होते हैं स्मार्ट प्लेयर के, वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। देख रहे, प्राइस को ऊपर लेके गए, कितना परसेंट कम हुआ गया नीचे से, ये यहाँ से 6% कम हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डेज में, एक वीक में, एक वीक का कैंडल देखो आपने। और आपको क्या चाहिए, लॉट्स में कितना मिलता है, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये इस चार्ट को देखो, और मैंने जब ये गोल्ड को बाई किया उस वक्त गोल्ड को देखो, इस चार्ट को देखो, यहाँ पे लोग डरते हैं, रेड कैंडल है, उनको लगेगा कि कंफर्मेशन होने दो। अब वो कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे, तब तक तो ये कैंडल बन गई, अब क्या कंफर्मेशन करोगे, इतना मूव तो आपके सामने सामने चले गया, आप कोई पैटर्न की वेट करोगे, बरोबर, आप कुछ पैटर्न का वेट करोगे, कैंडलस्टिक का वेट करोगे, तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया। आप ध्यान से देखोगे तो एक ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। अब कुछ लोग इसके ऊपर की तरफ का बाय, लेकिन आप ऐसे सोचना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि कहाँ से प्राइस डिमांड कहाँ पर है, कि ये ब्रेक करके, ये डिमांड की तरह रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, फिर सपोर्ट को आपको बाय करना चाहिए। अगर मान लो ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन यहाँ से अगर ये रिवर्स हो गया तो आपको सोचो कितना बड़ा लॉस होता है। तो हमेशा बाय करने की, यहाँ पे प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए कि हम सिर्फ डिमांड को बाय करें, रेजिस्टेंस पे जरा भी हाथ लगाना नहीं है, बाय का सोचना ही नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना तो आपको वेट करना है रिटेस्ट का। मान लो एक कैंडल, इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि एक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो वो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, आप देखो, आप यहाँ पे बाय करोगे भी तो फट से हिट होगा, और यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है, देखो आप, यहाँ पे भी मार्केट गिरा था, यहाँ पे भी मार्केट गिरा था, और यहाँ से भी मार्केट गिरा था, फिर से उस जोन में आएगा तो थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हमेशा इसके ऊपर ही बाई करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो हम लोग वहां पे क्यों बाई ना करें। सोचो कितना छोटा स्टॉप लॉस होता है, देखो इस तरीके के से आपका अप्रोच होना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच।